पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। और यहीं से वो सीन फिल्माया गया हमारे हिसाब से लेटने वाला उसके। राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग यहीं हुई थी गोल्फ क्लब पे, लेकिन रानीखेत के जगह पर उसको पालमखेत कर दिया गया। जब शूट हुआ था क्या आपने देखा था क्या? हाँ मैंने देखा था, हम यहीं के ये निवासी है, हम यहीं के रहने वाले। पूछो ना पूछो क्या है वो, ऐसे गाना तो है। वो इधर ही शूट हुआ। हाँ यही कटी पतंग की हुई है ब्योहा की। हाँ हाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का एक गाना था पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है और कैसा नशा है। ये करिश्मा कपूर और आमिर खान की ये बेहद ही सुपरहिट फिल्म थी अपने जमाने की और इसके गाने बहुत ही सुपरहिट थे। अभी दोस्तों हम खड़े हैं उत्तराखंड के रानीखेत में, तो रानीखेत में ही कुछ सीन फिल्माए गए हैं। आपको बता देते हैं रानीखेत में राजा हिंदुस्तानी के कौन कौन से सीन फिल्माए गए। पूछो जरा पूछो की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे, और जो आमिर खान का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुस्से में बैठ जाते हैं वो भी यहीं पे शूट किया गया है। बेसिकली घर मिलना उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इधर नजर डालेंगे तो ये है उत्तराखंड का रानीखेत शहर। देखो पूरा पहाड़ों पर बसा है, अगर आप नजर डालेंगे तो पहाड़ों पर घर बने हुए हैं। इसी शहर में हम लोग रात में रुके थे, इसी शहर में हम लोगों ने रात में स्टे किया। अभी हम चलेंगे गोल्फ ग्राउंड में जहाँ पे उस गाने के सीन फिल्माए गए हैं। बहुत सारी वीडियो पड़ी मिल जाएंगी आपको रानीखेत के बारे में कि राजा हिंदुस्तानी की शूट हुई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से किसी ने नहीं दिखाया है, तो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर राजा हिंदुस्तानी की बात कर लें तो करिश्मा कपूर, आमिर खान और टिंकू तलासनिया जो कि कॉमेडी एक्टर है, उन्होंने रोल अच्छे तरीके से निभाया, और कुणाल खेमू जो बहुत छोटे थे बच्चे का रोल निभा रहे थे। और बेसिकली मैंने राजा हिंदुस्तानी के कई वीडियो बनाई हैं, कई लोकेशन पे मैं गया हूँ साउथ में, वो अगर वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो बेहद ही खूबसूरत घर हैं, जो कि घर पहाड़ों पर बनाए गए हैं, और हमने पता किया था जैसे जो पहाड़ पर घर हैं जो ज़्यादा ऊँचाई पर हैं तो वो दो चार दिन में ही सामान अपना मतलब खरीदने के लिए जो रोज़मर्रा की जो जीवन की चीज़ें हैं वो चार पाँच दिन में एक ही बार खरीदने के लिए नीचे मार्केट की तरफ आते हैं, क्योंकि जो घर की औरतें महिला हैं वो रोज़ इस कार्य को करने में असंभव हैं। जो घर के पुरुष हैं वो लोग जो सामान रहता है घर की रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें रहती हैं वो लेकर आते हैं। तो ये पहाड़ों में भी देखो काफ़ी ज़्यादा धुंध है और ये रास्ते हैं, मैं काफ़ी अभी ऊँचाई पर खड़ा हूँ। ये है पूरा रानीखेत का नज़ारा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको दो फिल्मों की लोकेशन दिखाने वाला हूं, एक तो राजा हिंदुस्तानी दूसरी विवाह, दोनों सुपरहिट फिल्म थी अपने जमाने की। हम आपको यहां पे दोनों आर्टिकल दिखा देंगे क्योंकि इन शूटिंग लोकेशनों में बहुत सारी मिथ हैं कि जानकारी मिल नहीं पा रही थी। यहां पे देखो आर्टिकल मैंने इस साइड पर लगा दिया विवाह का, इस साइड पर लगा दिया राजा हिंदुस्तानी का। ये दोनों आर्टिकल इंडिया की जो मीडिया है टॉप मीडिया उनके जो आर्टिकल में लिखा हुआ कि विवाह की शूटिंग यहाँ पे हुई है और राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। मैं जब यहाँ पे जब पहुंचा था तो स्थानियों से पता किया था रानीखेत में कि हाँ यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी की शूट चले हैं। इस वीडियो में दोनों फिल्म की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा अभी रानीखेत से हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्फ ग्राउंड, और ये पीछे हमारे है मोहित भाई से, कहेंगे थोड़ा आगे आ जाओ क्योंकि इधर से गाड़ी लगा दी यहाँ पे। तो अभी हम लोग गोल्फ ग्राउंड में पहुंच चुके हैं जहाँ पे राजा हिंदुस्तानी के जो सीन फिल्माए गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये देख रहे हो काफ़ी बड़ा जंगल है, एक अंकल है यहाँ पे, उनकी शॉप है जूस की, और उनसे भी अभी जानेंगे कि उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि राजा हिंदुस्तानी के यहाँ पे सीन लिए गए हैं। हम जैसा कि आपको बताया कि 5 किलोमीटर पैदल चल के हैं रानीखेत से गोल्फ गार्डन तक। काफ़ी बेहद ही अच्छा नज़ारा था रास्ते का, रास्ते में सेल्फी वगैरह ली, रील वगैरह भी शूट की, तो जो यहाँ से सीन फिल्माए गए वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग यहीं हुई थी गोल्फ क्लब पर, लेकिन रानीखेत के जगह पर उसको पालमखेत कर दिया गया। उसमें पालमखेत बनाया है ना, लेकिन पालमखेत नहीं है, रानी पालमखेत की जगह पर रानीखेत है उसका नाम। अच्छा अभी अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे शूट कहाँ पे बता रहे थे? वो सामने आर्मी का क्लब है देखो, वहाँ वो आता। अच्छा उधर जाने नहीं देते? उधर नहीं जाता, आर्मी के अंडर में है ये सारा, ये गोल्फ है, ये सारी कैंट एरिया है डिफेंस। अच्छा जब शूट हुआ था क्या आपने देखा था क्या? हाँ मैंने देखा था, हम यहीं के निवासी है, हम यहीं के रहने वाले हैं। आसपास गांव होगा आपका? हाँ मेरा यही कालिका में ही मेरा गांव है। अच्छा कुछ पता होगा कौन सा गाने का या फिर काय का सीन? वो क्या है पूछो ना पूछो क्या है वो, ऐसे गाना तो है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, वो इधर ही शूट हुआ। हाँ यही। अच्छा आप अंकल यहाँ पे क्या करते हो?
मैं यहाँ पर जूस बेचता हूँ। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर अंकल की शॉप है और अंकल ने बताया कि नींबू पानी, नींबू सोडा, जलजीरा बेचता हूँ मैं यहाँ। अच्छा अंकल जी, इसके साथ साथ और कोई फिल्में शूट हुई है? कटी पतंगी हुई है, विवाह की। हाँ हाँ। अच्छा और कौन सी? विवाह, विवाह, विवाह। हाँ या वो भी सीन इसमें है, उसका ये बीच में है। अच्छा इस साइड में जहाँ हम जा सकते? हाँ जा सकते हो आप। अच्छा विवाह का कौन सा सीन है? अब ये इतना तो मेरे को उतना ध्यान नहीं। विवाह का सीन है वो, मिलन अभी आधा दूर है, गाने का सीन है। अच्छा अंकल, वैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीवान सिंह बिष्ट। दीवान सिंह बिष्ट। जैसा कि अंकल ने बताया कि यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड में शूट हुआ है, ये तो जिधर से ये देखो गाड़ी आ रही है, और ये जो हरी हरी कलर की जो जाली लगी बैरिकेडिंग, ये आर्मी कैंट के अंदर है, मतलब आर्मी का क्षेत्र है, एरिया है, तो उधर पे कुछ सीन लिए गए वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और इधर जिस साइड में एंट्री है यहाँ पे जो सीन लिए गए वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे राजा हिंदुस्तानी का गाना जो था पूछो जरा पूछो, उसका शूट चला है, जैसा कि अंकल ने बताया कि मैंने शूट होते हुए भी देखा है। और हम रानीखेत से पैदल आए हैं हम लोग 5 किलोमीटर नज़ारा देखते देखते। तो एक चीज़ की यहाँ पे आपको कमी लगेगी थोड़ा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा रूखा रूखापन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्या है कि जंगल में आग वगैरह कभी इतने टाइम चक्कर रहता है, क्योंकि इतने टाइम जो झाड़ है जी नीचे पड़ा हुआ, तो ये देख रहे हो जंगल में आग वगैरह भी लग जाती है। तो यहाँ पे अगर आप खुलने की बात करें तो समय अभी यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, 11 से 4 शेष दिन अपराह्न 11 से 2 मंगलवार से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये गेट है, और यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी सरकारी जो है होमगार्ड यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे भैया अंकल जी बैठे हैं। और ये ग्राउंड है, अभी हरियाली नहीं है इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में अगर बारिश के सीजन में आओगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना रहेगा, रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए उसके बाद अंदर आ जाइए, टिकट अभी कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बारिश के समय पर आओगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, लेकिन वही कहते हैं ना कि ज़्यादा खूबसूरती आपदा की जड़, जो देखो जहाँ पे खूबसूरती रहेगी वहाँ आपदाएं ज़्यादा रहेंगी। तो बारिश में क्या रहता है, लैंड माइनिंग होती रहती है, जो पहाड़ के जो पत्थर हैं वो सरकते रहते हैं, तो ट्रैवलिंग में भी थोड़ी दिक्कत रहती है, और मैं जब ट्रैवलिंग कर रहा था तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो अभी यहाँ पे हरियाली बिल्कुल नहीं है, और अभी हम गाने के सीन ढूंढ रहे थे। मैंने रानीखेत में जितने लोगों से पूछा, सभी लोगों का कहना था कि यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी फिल्म शूट हुई है, राजा हिंदुस्तानी शूट हुई है। तो देखते हैं भाई। हाँ एक एप्पल गार्डन करके है, वहाँ पे तो कुछ सीन लिए गए, मुझे ये पता था, अगर वहाँ भी जाने का मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। यहाँ जो राजा हिंदुस्तानी के लिए गए सीन वो दिखाते हैं, लेकिन गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है कि पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, तो कुछ इस तरीके से एक्ट्रेस जो रहती हैं वो करिश्मा कपूर इस तरीके से लेटी रहती हैं, और आमिर खान लोग आते हैं पूछते हैं पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, और यहीं से वो सीन फिल्माया गया हमारे हिसाब से वो लेटने वाला। उसके अलावा यहाँ से कोई सीन मैच नहीं हो रहे हैं परफेक्ट, क्योंकि वो सीन जो वो खेत दिखाई देते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के खेत रहते हैं जो यहाँ पे हैं रानीखेत के अंदर, वो मैं वीडियो क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा, उस तरीके के खेत नज़र आते हैं स्क्रीन शॉट में, आप मैच कर लेना। इस साइड पे वीडियो क्लिप चला रहा हूँ और इस साइड पे स्क्रीन शॉट लगा हुआ है, तो दोनों आप परफेक्ट उसी तरीके से मैच कर सकते हो। तो राजा हिंदुस्तानी के जो सीन लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं रानीखेत के आसपास से लिए गए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए राजा हिंदुस्तानी की जो न्यूज है यहाँ पे चलाई जा रही है। बेसिकली गोल्फ जो गार्डन है इसके अंदर तो हमारे हिसाब से विवाह के अलावा यहाँ पे उसका सीन तो नहीं मुझे मिला है, कटी पतंग का भी यहाँ पे सीन लिया गया है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस ऐसा करके गाना है, उसके सीन नैनीताल में से भी लिए गए हैं, और नैनीताल के अंदर वोटिंग करते रहते हैं जो एक्टर्स और एक्टर रहते हैं। लेकिन खूबसूरती की बात करें, जितनी खूबसूरती आपदाएं उतनी हैं। देखो यहाँ पे लगभग आज आग लगी है, कब लगी है लेकिन ये नहीं पता, देखो आगे आएंगे मोहित भाई हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, मैं जैसे तैसे यहाँ तक आया, बहुत मैं वैसे भी डर रहा था क्योंकि बस जो है ऐसे बार बार ऐसा लग रहा है पहाड़ी में चली, मतलब नीचे गिर जाएगी कहीं, और मोहित भाई तो एक बार उनके साथ में दोस्त है, उन्होंने बोल दिया कि कहीं पलट ना जाए, अगर बस पलटेगी तो उसमें बचना तो मुश्किल है। देखो यहाँ पे जंगलों में आग भी लग जाती है, ये देखो, और आग आज की नहीं लगी हुई, आग काफी पुरानी लगी है, शायद हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी हो गए होंगे, लेकिन जो पेड़ है सूखे पेड़ है उनके अंदर आग ऐसी, मोहित भाई जूम करेंगे, ऐसे धधकती रहती है। ये देखो ये बेसिकली पेड़ पूरा हरा है, लेकिन इसको आग ने अपनी आहोश में ले लिया है और ये पेड़ अब सूख ही जाएगा, और उधर जूम करोगे देखो मोहित भाई अभी देखो पेड़ जल रहा है। तो ऐसे जंगलों में आग लग जाती है, जो हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था क्योंकि आग लग गई थी,
अभी आग धीरे धीरे पूरे जंगलों में फैल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है तो बहुत ही मुश्किल है कि बच पाना। आग की आहोश में आ गए तो भाग के कहाँ जाओगे पहाड़ी से। और गाड़ियाँ भी बहुत रिस्क जगह से चलती हैं, रोड सिंगल रोड है और जगह जगह पे यू टर्न है। बड़ी मुश्किल से आए थे हम लोग, आए थे राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग लोकेशन दिखाने, लेकिन यहाँ पे वो परफेक्ट सीन मेरे हिसाब से नहीं मिले हैं। राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग अगर हुई है उत्तराखंड के अंदर, रानीखेत के आसपास भी हुई है, क्योंकि ये आर्मी का पूरा एरिया है। एक जानकारी आपको बता दें, रानीखेत जो है आर्मी छावनी के अंतर्गत ही बसा हुआ है, ये भारत सरकार के अंडर में सारी ज़मीनें हैं, ये भारत सरकार खाली भी करा सकती, जो दुकानें हैं जो मार्केट हैं सारी ज़मीनें जो हैं आर्मी छावनी के अंदर हैं। तो ये पूरा कैंट एरिया है आर्मी का, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं बेसिकली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पे मैंने न्यूज़ आर्टिकल, कई न्यूज़ आर्टिकल शो अप कर दिए हैं राजा हिंदुस्तानी के बारे में, जो कि यहाँ पे शूट हुए हैं। जो एप्पल गार्डन है वहाँ पे सीन हमारे हिसाब से फिल्माए गए, तो अभी हम चलेंगे एप्पल गार्डन। अगले वीडियो में अगर पहुँचते हैं वहाँ तो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र रास्ता है बहुत अनमंत है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन इस गार्डन की खूबसूरती की अगर बात करें तो ये चार चांद लगा देता होगा बारिश में, और बारिश में यहाँ पे स्नोफॉल होता है और ये पेड़ है एकदम से हरे भरे हो जाते होंगे। गर्मियों में आग की भी शंका है, आग लगने का भी डर है, सर्दियों में स्नोफॉल का डर है। खूबसूरती जहाँ आपदा वहाँ। यहाँ पे देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में मूवी शूट हुई है या नहीं है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन शॉट यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। और जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो मैंने बताया एप्पल गार्डन में मिल सकते हैं हमारे हिसाब से। एक फिल्म आई थी 16 और सबनम, उसका गाना था कि दिव्या भारती थी और गोविंदा जी थे, उसके अंदर कुछ उस तरीके के पेड़ दिखते हैं, लेकिन वो दरअसल में ये पेड़ नहीं है, वो पाइन फॉरेस्ट है ऊटी के अंदर, पेड़ उसी टाइप के हैं। तो यहाँ से जो सीन लिए गए हमारे हिसाब से, मुझे लग रहा है कि सीन परफेक्ट नहीं मैच होंगे, बट मैं दिखाऊंगा। लेकिन विवाह फिल्म के यहाँ पे सीन लिए गए हैं, जो विवाह मूवी का गाना था उसके सीन जरूर यहाँ पे फिल्म में, जो गाना रहता है विवाह मूवी के अंदर, तो यहीं पे वो सीन फिल्माए जाते हैं। देखो अभी क्या यहाँ पे हरियाली नहीं है, तो पीछे के जो पेड़ हैं वो मैच हो जाएंगे, हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे हवा इतनी ठंडी चल रही है, धूप है, धूप का पता ही नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो जब पूनम और प्रेम जो उनके पूरे परिवार के लोग रहते हैं, जब आते हैं वो घूमने के लिए पूरे परिवार के साथ में, तो इसी जगह से सीन लिए जाते हैं, जब पूनम प्रेम को पकड़ती रहती हैं, जब दोनों लोग आपस में एक रस्सी टाइप की, मतलब जो दुपट्टा टाइप का रहता है वो खींचते रहते हैं, तो ये पीछे के पेड़ आपको स्क्रीन शॉट में मैच हो जाएंगे। देखो ये वाले, इसी जगह का सीन था वो, तो मैंने स्क्रीन शॉट लगा दिया है, आप मैच कर लेना। देखो यहाँ से इस जगह से, अभी हम मोहित भाई को कैमरा पकड़ा देते हैं, फिर आते हैं फ्रंट पे। देखो इस जगह से सीन आता है और इस तरीके से रस्सी इस साइड से खींचते रहते हैं, तो ये ढलान भी हल्की दिखाई देती है। मोहित भाई से कहेंगे थोड़ा आगे आ जाए। तो यहाँ से सारे सीन जाते हैं विवाह मूवी के अंदर, और ग्राउंड इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, और मतलब आंखों से इतना ज़्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा है, अगर कैमरे पे अगर एंगल में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। जब ये हरा रहता होगा, जब इसमें हरियाली रहती होगी, तो बेहद ही खूबसूरत रहता होगा। बारिश के मौसम में आना ही इधर मज़ेदार है, बारिश के मौसम में आने वाला है। तो यहाँ से विवाह फिल्म के जो सीन फिल्माए जाते हैं मैंने आपको दिखा दी हैं। इस जगह पर वो गिट्टी वाला रहता है, जब वो गिट्टी मारती रहती है, जो एक्टर्स रहती है विवाह की, बहुत सारे सीन यहीं से फिल्माए जाते हैं विवाह मूवी के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने विवाह फिल्म और राजा हिंदुस्तानी की लोकेशन दिखाई है। वो गाना रहता है ना, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया जब एक्ट्रेस लेटी रहती है, तो वो वाला सीन यहाँ से लिया गया है, और कुछ सीन जो है एप्पल गार्डन से लिए गए हैं। अगर एप्पल गार्डन जाना होगा तो वहाँ हम आपको सेपरेट वीडियो राजा हिंदुस्तानी का दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गार्डन काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। अगर थोड़ा और मौसम ठंडा रहता ना तो और ही मज़ा आ जाता। दोस्तों ये गोल्फ ग्राउंड जो रानीखेत के अंदर है, यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, जिसे टूरिस्ट आते हैं, और जब हम लोग भी आते तो इसमें से पानी भर लिया था, लेकिन इसके पानी का कलर मैंने बोतल में रखा एकदम से चेंज हो गया, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होगा, तो इस वजह से इसमें दोबारा पानी भरते हैं और दिखाते हैं। वो पानी बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा इसमें, भरवा दीजिए भैया एक बार दोबारा से यार। अब ये देखो, अगर इसमें नज़र डालोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो एकदम साफ है पानी। और कुछ देर के लिए अगर इसे धूप में रख देंगे तो इसके पानी का देखना हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ठंडा भी है ना, पहाड़ों में पानी वैसे ठंडा था,
तो कुछ देर तक वेट कर लेते हैं। और ये देखो बोतल मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है, इसका अभी देखना थोड़ी देर बाद कलर कैसा हो जाता है। मैं अभी आपको 10 मिनट बाद वीडियो दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों मैंने उस नल से पानी भरा था और इसका पानी का कलर देखो अभी चेंज हो गया है, अभी ये और भी बदल जाएगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है 11 से 2 की है, 2 बजे क्लोज हो जाता है। और इस पानी का कलर देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ऐसा लग रहा है कहीं नाली से पानी भरा हुआ है। और ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पानी ना पीना। धन्यवाद।